हम सब अपनी लाइफ में चॉइसेस में घिरे रहते हैं, ब्लू शर्ट या रेड शर्ट, iOS या एंड्रॉइड, चाइनीज या साउथ इंडियन, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, बिजनेस या जॉब। आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि हम हर रोज अराउंड 35,000 डिसीजंस लेते हैं। सुबह उठते तो शुरू हो जाते हैं, अलार्म बजा, उठ जाऊं या थोड़ा और सो जाऊं, रास्ते में कौन सा गाना सुनूं, कॉफी ठंडी पीऊं या गर्म पीऊं, और कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेते हैं जो हमारी लाइफ को डीपली इंपैक्ट करते हैं। ये डिसीजंस हमें जीरो से हीरो बना सकते हैं या हीरो से जीरो। आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस लेने बंद कर दो, इसलिए आज हम जानेंगे द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए हम गलत डिसीजंस लेते क्यों हैं। KIP LFT, के नॉलेज, किसी चीज के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है और डिसीजन गलत हो जाता है। आई इंपैक्ट, हम ये नहीं समझ पाते कि इस डिसीजन का क्या इंपैक्ट होगा और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। पी पास्ट, बहुत सारे डिसीजन हमारे पास्ट के अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस के बेस पे होते हैं। एल लेजीनेस, स्कूल या ऑफिस जाने में आलस में बैठे रहे और लास्ट में कुछ भी पहन के चले गए। एफ फियर, बिजनेस करने का डर है इसलिए डिसाइड कर लिया कुछ और कर लेते हैं। स्टेज पे चढ़ने का डर है इसलिए डिसाइड कर लिया कि नीचे ही बैठे रहते हैं। डी डिपेंडेंसी, बहुत बार हमारे जो डिसीजंस है ना वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। दोस्त ऐसा कर रहा है, पार्टनर ऐसा कर रहा है, फैमिली ऐसे कह रही है, और इस डिपेंडेंसी की वजह से हमारी आदत बन जाती है दूसरों की वैलिडेशन के हिसाब से डिसीजन लेने की, और बहुत बार वो डिसीजन हमारे लिए सही नहीं होते और गलत हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग की साइंस को समझने के लिए इस इमेज को देखो। आपको इस इमेज में क्या नजर आ रहा है? किसी को इसमें यंग लेडी नजर आ रही होगी और किसी को एक ओल्ड लेडी नजर आ रही होगी। सेम डेटा है लेकिन सबका डिसीजन अलग अलग। डिसीजन लेने वक्त आपके दिमाग में क्या होता है, अपने दिमाग को समझते हैं। डिसीजन मेकिंग में हमारे दिमाग के 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो हमारी वर्किंग मेमोरी, मतलब हमारी अटेंशन इस वक्त जो हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं। हिप्पोकैम्पस जहां पे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, पुरानी यादें हैं, अब तक का सब कुछ है, एंड एमिग्डाला जहां पे हमारी इमोशंस है। अब आप ये देखो, आप कोई भी डिसीजन लेते हो ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। करियर कौन सा चूज करूं, आप अपनी मेमोरी से भी याद करते हो क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपकी इमोशंस भी होते हैं, आपका क्या मन है, और आपकी वर्किंग मेमोरी भी इन्वॉल्व होती है डिसीजन लेने में करना क्या है। स्टेज पे जाने से डर लगता है क्योंकि हिप्पोकैम्पस में पुराने एक्सपीरियंसेस हैं और एमिग्डाला में फियर है, तो आपका PFC यानी वर्किंग मेमोरी कहती है रहने दो। पता है प्यार में धोखा मिल सकता है लेकिन फिर भी प्यार में पड़ गए, क्यों? क्योंकि आपका एमिग्डाला बहुत एक्टिव था, इमोशंस आपके हाई हो गए। आपका कौन सा पार्ट डोमिनेंट है इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे डिसीजंस लेते हो। जिनका अटेंशन वर्किंग मेमोरी बहुत एक्टिव होती है वो सोचते रहते और डिसीजन नहीं ले पाते। होता है ना कुछ लोगों के साथ, इतना सोचते हैं कि डिसीजन ही नहीं ले पाते। कईयों का एमिग्डाला बहुत हैवी होता है, डोमिनेंट होता है, वो इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, ज्यादा सोचा नहीं डिसीजन ले लिया। अगर ये तीनों बैलेंस तरीके से मिलकर काम करें तो आप एक रैशनल डिसीजन ले पाते हो। उस इमेज में किसी को यंग लेडी नजर आई, किसी को ओल्ड लेडी नजर आई, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है और आप किस तरह के लोगों को मिलते हो, तभी आप उस डिसीजन तक पहुंच पाए। अब अपनी डिसीजन मेकिंग को स्मार्ट और स्ट्रांग कैसे बनाएं, कुछ फंडे आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपके बहुत काम आएंगे। पहला है 5-second rule। बचपन में वो 6-second rule सुना होगा कि अगर खाना गिर जाए फटाफट उठा लो, 5-6 second के अंदर अंदर कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी तरह से डिसीजन मेकिंग में 5-second rule फॉलो करो। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं ना जो हमारी लाइफ को कुछ खास इंपैक्ट नहीं डालते। आइसक्रीम कौन सी खाऊं, यहां बैठूं वहां बैठूं, कौन सा गाना सुनूं, ये डिसीजंस विद इन 5 second लो। ऐसा करने से एक तो आप अपना खूब सारा टाइम बचाओगे जो इन डिसीजंस पे जाता है, और दूसरा आप अपने ब्रेन को कंडीशन करते हो फास्ट डिसीजन के लिए। सेकंड फंडा उनसे सीखते हैं जो दुनिया में बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, CEOs, टॉप एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, ये कैसे अपनी एनर्जी बचाते हैं बड़े डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि ये छोटे छोटे डिसीजंस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। हर रोज सुबह उठ के सोचना आज क्या पहनना है, अब क्या खाना है, अब क्या खाना है, दिन में कई बार सोचना इस हफ्ते क्या क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, कितना टाइम कितनी एनर्जी हम वेस्ट करते हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा, ये क्या करते हैं, अपने डिसीजंस को ऑटोमेट करते हैं। या तो सेम कपड़े रोज पहनते हैं या फिर इनके कपड़े प्री प्लान्ड होते हैं, कब क्या खाना है हर दिन का पहले से पता है, वीक में एक दिन बैठ के डिसाइड कर लिया इस हफ्ते मुझे कब क्या करना है। ऐसा करने से एक तो आप अपने माइंड की एनर्जी बचाते हो, छोटे छोटे डिसीजंस में नहीं लगाते, दूसरा आप अपना टाइम बचाते हो, दिन में कई बार सोचने में ये टाइम वेस्ट नहीं होता, और तीसरा क्योंकि डिसीजंस ऑटोमेटेड होते हैं तो आप गलत डिसीजंस नहीं लेते। अगला फंडा है लेस इज मोर। कई बार हम डिसीजंस इसलिए नहीं ले पाते कि हमें लगता है कि यार इस डिसीजन को लेने के लिए हमें पहले पूरी नॉलेज चाहिए, 100% इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन लीडर्स ऐसा नहीं सोचते।
जेफ बेजोस कहते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए अगर आपके पास 70% इन्फॉर्मेशन है तो वो भी काफी है, क्योंकि ज्यादा नॉलेज होगी तो ज्यादा चॉइसेस होगी, ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन वो 70% इन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगला फंडा है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे ना तो ये सोच के देखो कि इसमें बुरे से बुरा क्या हो सकता है, सबसे नेगेटिव क्या हो सकता है। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हो ना तो आप एक स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पाते हो। अब इस फंडे में दो तरह की डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। एक होती है रॉबस्ट डिसीजन मेकिंग, इंपल्सिव होकर भावनाओं में बैठकर डिसीजन ले लिया, और एक होती है माइंडफुल डिसीजन मेकिंग, सोचे समझे स्टेबल माइंड से थॉटफुल होकर डिसीजन लिया। अगर आप मेडिटेट करते हो तो आप अपने माइंड को स्टेबल कर पाते हो, इमोशंस में बहते नहीं और माइंडफुल होके डिसीजंस ले पाते हो। अब अगला फंडा बहुत लोगों के काम आएगा। अगर आप डिसीजन लेने से पहले ओवरथिंक करते रहते हो या डरते हो डिसीजन लेने से, उसको डिले करते हो, यार तो जितना लेट हो जाए उतना अच्छा, या दूसरों की वेट करते हो, दूसरा बताए उसके हिसाब से लेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें पहले छोटे छोटे डिसीजंस पे ना छोटे छोटे रिस्क लेने होंगे। या अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा वेरी गुड, बुरा हो गया तो समझ लो ये आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कॉस्ट है, फीस है। थोड़ा थोड़ा बुरा होगा, थोड़ा थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन आपको आदत पड़ेगी अपने दम पे डिसीजन लेने की, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप फ्रीडम फील करोगे, आजाद फील करोगे डिसीजंस लेने में। और एक डिसीजन मेकिंग मॉडल भी आपको दे रहा हूं, अगर लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, तो इस मॉडल को आप यूज कर सकते हो। अब मैं आपको अपने एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट आई एम सक्सेस के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप आई एम सक्सेस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको मेरी एक 3 आवर्स की लाइफ मास्टरी वर्कशॉप मिलती है। अगर 10 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ में इंपैक्ट डाल सकती है तो 3 घंटे की ट्रेनिंग आपकी लाइफ को बदल सकती है। इसके अलावा हर महीने आपको एक लाइव सेशन मिलता है, और आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो जहां पे सब ग्रोथ माइंडेड है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, और भी बहुत कुछ इस प्रोग्राम के अंदर आपको मिलता है। ये प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब, और इसके थ्रू हर रोज मैं और मेरी टीम लोगों की लाइफ बदल रहे हैं। अगर अभी तक आप इसका पार्ट नहीं बने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने का जो आपने आज डिसीजन लिया था उससे आपकी डिसीजन मेकिंग और स्ट्रांग और स्मार्ट होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।